दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे ICC वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन सा वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही कराए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है, कैसे मिलेगी तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव इलेवन ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव इलेवन आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले आपको माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पर क्लिक करिए और माई फैव इलेवन ऐप को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी फैंटेसी की टीम की, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको पता है हमेशा हर वीडियो में मैं आपको हर प्लेयर के बारे में डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताता हूँ, तो एक छोटा सपोर्ट आप कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। उम्मीद करता हूँ जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे आप सभी ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करें अगर हमारी फैंटेसी की टीम की, तो दोस्तों सबसे पहले निकोलस पूरन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करूं तो नंबर 5 आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले। रीसेंट की फॉर्म के बारे में बात करूं तो 104 रन इन्होंने लास्ट मिनट में करे थे, यानी कि शतक लगाया। उससे पहले अगर मैं बात करूँ 34 रन इन्होंने करे, फिर 115 रन करे थे नेपाल के सामने भी इन्होंने शतक लगाया था, और फिर 43 रन इन्होंने करे थे। तो अब तक अगर आप देखोगे इस टूर्नामेंट पर इनका गजब का परफॉर्मेंस रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाते, इसलिए आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर स्कॉटलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है जब तो आप पूरन को रख सकते हो, लेकिन बॉलिंग करती है स्कॉटलैंड तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में हो सकता है स्कॉटलैंड जल्दी ऑल आउट हो जाए फर्स्ट बैट पे, तो सेकंड इनिंग्स में पूरन को बैटिंग करने का मौका ना मिले, या जब मौका मिले तो इतने रन ही नहीं बचे कि ये जो एक अच्छा परफॉर्म करके आपको पॉइंट दे दे। शे होप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते। नंबर 4 आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाले। रीसेंट के बारे में बात करूँ 47 इन्होंने करे दोस्तों, उससे पहले 30 रन इन्होंने करे, फिर 132 रन इन्होंने करे और 54 रन करे। परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट हो जाते, खासकर वनडे में तो भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, इसलिए हम इनको लेके चल रहे हैं। मैथ्यू क्रॉस के बारे में बात करें, ओपन करेंगे, लेकिन अगर मैं रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो 5 मैचेस में इनका परफॉर्मेंस जो है इतना अच्छा नहीं रहा। तकरीबन अगर मैं बात करूं तो यहां से 85 रन के आसपास ही इन्होंने जो है रीसेंट के 5 मैचेस में करा, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूं दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से हम बात करें किसी और के बारे में, थॉमस का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 5 बैटिंग करेंगे। रीसेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, इनका भी रीसेंट का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो 2 हमारे विकेट कीपर फिलहाल रहने वाले हैं। बैटिंग के बारे में बात करें, बैरिंगटन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर 4 रहने वाला है। रीसेंट के बारे में बात करूं, 10 रन इन्होंने करे दोस्तों, उससे पहले 60 रन इन्होंने करे, फिर 127 करे और 10 रन करे। इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और मिडिल ऑर्डर में स्कॉटलैंड के सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो अगर यहाँ पर स्कॉटलैंड रन बनाएगी तो यहाँ पर बैरिंगटन जो अच्छा स्कोर करके दे सकते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। ब्रैंडन किंग के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मिनट में 76 इन्होंने करे, उससे पहले 20 इन्होंने करे, फिर 32 रन करे, उस फिर 0 पे आउट हो गए थे। अब अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो देखो स्कॉटलैंड की बॉलिंग इतनी भी अच्छी नहीं है एज़ कंपेयर करें तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग से, कि मतलब उनको रोक सके, तो मुझे लगता है ब्रैंडन किंग आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। जॉनसन चार्ल्स के बारे में बात करें दोस्तों, ओपन करते हुए आपको नज़र आने वाले। रीसेंट के बारे में बात करूँ, 54 इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन करे, फिर 0 करे और 66 इन्होंने करे, ये इनका अब तक परफॉर्मेंस रहा है।
फिलहाल मैं इनको अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ क्योंकि ओपन करेंगे हार्ड हिटर बैट्समैन ने रन बना के आपको दे सकते हैं। मैकब्राइड के बारे में बात करें ओपन करते हुए आपको नजर आने वाले, लेकिन यार रीसेंट की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रही है इनकी। अभी तक अगर मैं लास्ट चार मैचेस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो चार मैचेस में जो है इन्होंने तकरीबन जो है 90 रन के आसपास करे। अगर आप चाहो तो इनको रख सकते हो। वहीं अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें, शाम ब्रूस का आपके पास ऑप्शन है, नंबर 3 पर बैटिंग करेंगे। रीसेंट में 25 इन्होंने करे, फिर 39 इन्होंने करे दोस्तों, फिर 20 रन इन्होंने करे, उससे पहले 44 इन्होंने करे, तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा रहा है। आप इनको रख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो आप ब्रूक्स को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जैसे वेस्ट इंडीज़ पहले बॉलिंग कर रही है तो आप पूरन को ड्रॉप करके ब्रूक्स को अपनी टीम में रख सकते हो। फिलहाल 3 हमारे बैट्समैन रहने वाले हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, जेसन होल्डर का आपके पास जो है ऑप्शन होने वाला है। अब होल्डर के बारे में बात करें, बैटिंग ऑर्डर तो काफ़ी नीचे रहता है, बट बैटिंग आती है तो ये कर सकते हैं नंबर 7-8 पे। अब रीसेंट के 5 मैचेस के मैं बारे में बात करूं बॉलिंग से दोस्तों, लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने 5 विकेट निकाले। ओपन में भी बॉलिंग करवाएंगे तो विकेट निकाल के दे सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड का टॉप ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। वहीं बैटिंग भी करके दे सकते हैं, फिलहाल मैं इनको लेके जा रहा हूँ। हालांकि लास्ट में थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए थे। वहीं अगर यहाँ से ब्रैंडन के बारे में बात करें, नंबर 3 बैटिंग करेंगे, लास्ट रन में 5 रन इन्होंने करे, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 136 इन्होंने करे, फिर 4 रन इन्होंने करे, 10 रन करे और 31 करे। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ 8 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए हो जाते, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ। वहीं अगर यहाँ से लिस्ट के बारे में बात करें, देखो स्कॉटलैंड के काफ़ी अच्छे जो है ये बॉलर है, साथ ही में नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, तो बैटिंग से रन करके दे सकते, ऐसी बात नहीं है, काबिलियत नहीं है, बल्कि रीसेंट में ये बैटिंग से फॉर्म में चल रहे हैं, ना कि बॉलिंग से। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है दोस्तों। वहीं अगर यहाँ से बात करें, ग्रिव्स आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 पे रहने वाला है, लेकिन ये बैटिंग भी कर सकते और खासकर स्पिन बॉलिंग डालेंगे तो वहाँ विकेट निकाल के दे सकते, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के कुछ प्लेयर स्पिनर के सामने फंसते हैं। वैसे बैटिंग में अगर मैं लास्ट 5 मैचेस के बारे में भी बात करूं दोस्तों, तो इन्होंने तकरीबन 97 रन के आसपास करे और लास्ट 5 मैचेस में 10 विकेट भी इन्होंने निकाले, एक अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है। फिलहाल मैं इनको लेके चल रहा हूं। रोस्टन चेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, लास्ट रन में इन्होंने 3 विकेट निकाले थे, उससे पहले 1 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों, फिर 0 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, ही इनका परफॉर्मेंस रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूं लास्ट 5 मैचेस के बारे में दोस्तों, तो तकरीबन इन्होंने 126 रन भी करे, लेकिन यार इनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 7-8 पे रहता है, तो वेस्ट इंडीज़ अगर पहले बैटिंग करे तो आप इनको रख सकते हैं। सेकेंड इनिंग्स में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है दोस्तों, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ बैटिंग में आप रख सकते हो, लेकिन बॉलिंग में ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। फिलहाल मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ दोस्तों, और फिलहाल 3 हमारे जो है यहाँ से ऑलराउंडर रहने वाले। वहीं अगर बात करें, रोमानियो शेपर्ड का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, इनका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, तो देखो इनके ओवर कर सकते हैं सबसे पहली बात तो, और लास्ट 4 मैचेस में सिर्फ इन्होंने वैसे भी 1 विकेट निकाला है। हाँ, वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करती है तो ये बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे 20-25 रन करके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट देके चल सकते हैं। अगर आप चाहो तो तब इनको जो है ट्राई करके चल सकते हो, बाकी मुझे खास ऑप्शन नहीं है। जर्विस इनके भी ओवर कर सकते हैं, और लास्ट 5 मैचेस में वैसे भी इन्होंने 2 ही विकेट निकाला है, और फास्ट बॉलिंग करेंगे, वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर है जो है फास्ट बॉलिंग को तो अच्छे से खेल लेते। फिलहाल 3 हमारे ऑलराउंडर रहने वाले। बॉलिंग के बारे में बात करें, मार्क वाट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर है दोस्तों इनके सामने फंस सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। स्पिन बॉलिंग करवाएंगे, लास्ट 5 मैचेस में अभी तक 6 विकेट निकाले, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो बैटिंग से भी तकरीबन 130 से ज़्यादा रन इन्होंने करे, तो वहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ। अल्जारी जोसेफ ओपन और डेथ में बॉलिंग करवाते हुए आपको नजर आने वाले, काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है। लास्ट मैच में नेदरलैंड के सामने 2 विकेट निकाले और लास्ट 5 मैचेस में टोटल अगर मैं बात करूँ 8 विकेट इन्होंने निकाले, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। वहीं सोल के बारे में बात करें, लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं इनके बारे में दोस्तों, तो इस बंदे ने जो है तकरीबन 9 विकेट निकाले, आप देख सकते हो। खासकर पहले बॉलिंग करती है स्कॉटलैंड, जब तो रख ही लेना। कीमा पॉल का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट मिनट में 5 ही ओवर डाले थे, बॉलिंग करे थे, लास्ट 5 मैचेस में जो है 6 विकेट इन्होंने निकाले। अकील हुसैन आपके पास एक और ऑप्शन होने वाला है। लास्ट अगर मैं 5 मैचेस के बारे में बात करूं तो 6 विकेट जो है अकील हुसैन ने अभी तक निकाले, ट्राई करना है तो आप इनको भी अपनी टीम में कर सकते हो। ऑप्शन में इवंस का भी आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अब इनके बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट 5 मैचेस के बारे में, तो लास्ट 5 मैचेस में इन्होंने जो है तकरीबन 10 विकेट निकाले, तो आप देख सकते हो एक और आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं, मार्क वाट को रख रहा हूं दोस्तों, अल्जारी जोसेफ को मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूं, और यहां से अकील हुसैन मेरे ट्रंप होने वाले, 3 हमारे बॉलर रहने वाले।
कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करें, जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से आपके पास मैक अच्छे ऑप्शन है अगर आप स्कॉटलैंड के किसी प्लेयर के साथ जाना चाहते हो। बाकी अगर मैं बैटिंग में बात करूँ, अगर आप करना चाहते हो ब्रैंडन किंग एक अच्छा ऑप्शन हो जाते हो, शेव पूरन को मैं यार थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा। फिलहाल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कैप्टन मेरे शेव रहने वाले और वाइस कैप्टन में ब्रैंडन किंग को अभी के लिए कर रहा हूँ। टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करें, फिलहाल ही हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हैं। आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम इस मैच की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, तो आपको कुछ नहीं करना। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैब 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो, तो माई फैब 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस आपको माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माय फैब 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।